नमस्कार। लास्ट लेक्चर हमने दिसंबर 2014 तक आए हुए क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम जून 2015 का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। जून 2015 में दोनों ही क्वेश्चन पार्ट सी से पूछे गए थे। तो पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 99 है, द एक्सटर्नल ऑफ द फंक्शनल आई इक्वल्स इंटीग्रेशन 0 टू x1 y स्क्वायर y डैश स्क्वायर dx दैट पासेस थ्रू 0 0 एंड एक्स वन वाई वन इज ऑप्शन है हमारे पास में 4। यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन x के ऊपर इनडिपेंडेंट है और हमने इसके बारे में पहले ही डिस्कशन कर लिया कि जब फंक्शन x के ऊपर इनडिपेंडेंट होता है तो यूलर लाग्रांज इक्वेशन बनती है हमारी f माइनस y डैश डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इक्वल में कॉन्स्टेंट सी। हेयर एफ हमारे पास में दिया हुआ है वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर। यहां से हम वैल्यू फाइंड करें तो एफ का मान है हमारे पास में वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश y डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 2y स्क्वायर y डैश इक्वल में कांस्टेंट c। ये वैल्यू बनेगी माइनस 2y स्क्वायर y डैश स्क्वायर इंप्लाइज करके हमारे पास वैल्यू बनेगी माइनस y स्क्वायर y डैश स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट c इक्वल्स टू कांस्टेंट C। यहां हमारे पास में वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर y डैश स्क्वायर इक्वल माइनस सी कांस्टेंट होगा, उसको हमने एक अलग कांस्टेंट मान लिया C1। दोनों साइड अंडर रूट ले तो हमारे पास में वैल्यू बनी y y डैश इक्वल में अंडर रूट C1 और इसे हमने अनोदर कांस्टेंट C2 मान लिया। इसको हम लिख सकते हैं y dy by dx equals to C2 में y dy equal में C2 dx। इंटीग्रेशंस करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी y square by 2 equals to C2x plus एक अनोदर कांस्टेंट C3। यहां हमारी बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हमें 0 0 एंड x1 y1, तो y ऑफ 0 0 y का मान 0 x का मान 0 तो ये 0 इक्वल्स टू x का मान 0 तो ये 0 बनेगा C3। C3 का मान हमारा 0 आ गया एंड x1 y1 के ऊपर x का मान x1 y का मान y1 तो ये बनेगा हमारा y1 square by 2 equal में c2 x1 c3 का मान हमारा पहले से ही 0 है तो यहां से c2 का मान आएगा y1 square upon में 2x1 ये c2 का मान और c3 का मान हम यहां रखें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी y square by 2 equal में c2 का मान है y1 square 2x1 x। यहां से y square बनेगा हमारा y square equal में 2 से 2 cancel हो जाएगा y1 square upon में x1 x, ये एक constant है तो ये equation y square equal में 4 ए एक्स फॉरम के है और वाई स्क्वायर इक्वल में फॉर ए एक्स एक पैराबोला की इक्वेशन होती है तो ये एक पैराबोला इक्वेशंस का पार्ट है। तो ऑप्शंस एक कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, यहाँ एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं दैट मींस ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ए लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स तो एक्स का लीनियर फंक्शन भी नहीं है वाई स्क्वायर है, यहाँ ये भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। पार्ट ऑफ ए पैराबोला पैराबोला का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ एन एलिप्स एलिप्स भी नहीं है ये। तो इसका जो
राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, द एक्सटर्नल ऑफ द फंक्शनल 0 टू अल्फा y डैश स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx दैट पासेस थ्रू 0 0 एंड अल्फा 0 हैज ए वीक मिनिमम स्ट्रांग मिनिमम, के ऑप्शंस हैं। ये हमने स्टार्ट में डिस्कस कर लिया था, वीक मिनिमम कब होगा, स्ट्रांग मिनिमम कब होगा, वीक मैक्सिमम कब होगा, स्ट्रांग मैक्सिमम कब होगा। तो यदि f y dash greater than 0 for all y dash on C, तब ये स्ट्रांग मिनिमम होगा, और यदि f y dash greater and equal 0 for some values of y dash, तो ये वीक मिनिमम होगा, तब ये एक वीक मिनिमम होगा। तो यहां यदि कोई स्ट्रांग मिनिमम वैल्यू रखता है तो वो वीक मिनिमम भी होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहां हम यूलर लाग्रांज इक्वेशंस अप्लाई करें, तो बाय यूलर लाग्रांज इक्वेशंस हमारे पास जो वैल्यू है वैल्यू बनेगी, सॉल्यूशन करें इसका हम, तो ये हमारे पास में वैल्यू है y डैश स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस y डैश डेल f डेल y डैश। हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, f माइनस y डैश इक्वल्स टू c, क्योंकि फंक्शन x के ऊपर इंडिपेंडेंट है। यहां हम वैल्यू रखें तो ये बना हमारा फंक्शन, ये हमारे पास में y डैश स्क्वायर माइनस y डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 2y डैश इक्वल में कांस्टेंट c, y डैश स्क्वायर यहां पे बनेगा माइनस 2y डैश स्क्वायर, एक माइनस का y डैश स्क्वायर ये माइनस, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई y डैश स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी, इसे हम मान लेंगे सी वन, हमारे पास में ये वैल्यू आई। इसे हम लिख सकते हैं वाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू सी वन माइनस वाई स्क्वायर, और यहां से वाई डैश बनेगा हमारा अंडर रूट सी वन माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से इसको हम डी वाई बाई डी एक्स लिखें, तो ये बनेगा हमारा सी वन स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में डी एक्स। इसका हम इंटीग्रेशन करें, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए वाई बाई सी वन इक्वल्स टू एक्स प्लस एक अनदर कॉन्स्टेंट सी टू, इंप्लाइज करके y की वैल्यू बनेगी c1 वन साइन एक्स प्लस वाई इक्वल में c1 वन साइन एक्स कॉस सी टू प्लस c1 वन कॉस एक्स साइन सी टू। ये हमारे पास में कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट को हम एक अनोदर कांस्टेंट माने, तो y का मान आ गया a sin x प्लस b cos x। अब हमारे पास में बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है हमें 0 0 अल्फा 0, तो 0 0 इंप्लाइज करके y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 0, तो 0 ये हमारा 0 ये 1, तो b का मान आ गया हमारे पास में 0। सेकंड कंडीशन दी हुई हमें अल्फा 0 0 इक्वल्स टू x का मान अल्फा, तो a sin अल्फा। अब यहां इसका मान 0 आ रहा है, तो या तो a 0 होगा या फिर अल्फा 0 होगा। तो यदि अल्फा हमारा n पाई
y का मान बनेगा हमारा, अल्फा एन पाई ले रहे हैं तो a हमारा नॉट इक्वल जीरो हो जाएगा, उस कंडीशन में y का मान आएगा हमारे पास में a साइन x, a साइन x अल्फा इक्वल्स टू n पाई। अब हमारे पास में कंडीशंस दी हुई हैं अल्फा की पाई के ऊपर, तो यदि अल्फा हमारा नॉट इक्वल है n पाई, और इस केस में यदि हम अल्फा लेस देन हम पाई ले तो ये हमारा जीरो नहीं होगा, उस कंडीशन में a जीरो होगा, तब y का मान हमारा जीरो आ जाएगा, y का मान हमारा जीरो बनेगा जब अल्फा पाई से लेस देन है, और अल्फा पाई से ग्रेटर देन है तो हमारे पास में इसकी जो वैल्यू है उस कंडीशन में ये n पाई 1, यदि 2 पाई है, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, उन पर तो जीरो बनेगा, उसके अलावा जीरो नहीं बनेगा। तो हमारे पास इसका जो कर्व बनेगा वो कर्व हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा, यहां जीरो और अल्फा है, तो हम जानते हैं कि जो y की जो वैल्यू है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, y की वैल्यू हमारी a sin x पे डिपेंडेंट है, तो sin का मान जीरो पे जीरो और पाई के ऊपर जीरो होता है, तो ये अल्फा कर्व्स इस प्रकार के बनेंगे हमारे पास में। तो यदि अल्फा का मान पाई से कम है तो अल्फा यहां कहीं पॉइंट पर होगा, उस कंडीशन में जीरो टू यहां तक अल्फा होगा, और इसके लिए यहां पर एक कंडीशंस होती है हमारे पास में, उस कंडीशंस को बोलते हैं हम जेकोबियन कंडीशन। ये जेकोबियन कंडीशंस तभी फुलफिल होगी जब डोमेन के अंदर यदि ओरिजिन्स आ रहा है तो जो पेंसिल, पेंसिल मतलब सभी पॉइंट्स जो जीरो के ऊपर मिलते हैं उस पॉइंट को हम पेंसिल्स बोलते हैं, तो वो पेंसिल पॉइंट उसके डोमेन में केवल एक बार आना चाहिए, केवल एक बार आना चाहिए, यहां अल्फा पाई से यदि कम है तो ये पॉइंट केवल एक बार आ रहा है, उस कंडीशन में ये जेकोबियन कंडीशंस को फुलफिल करेगा। तो यदि अल्फा हमारा लेस देन है पाई तो ये जेकोबियन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, और यहां से हम इसके वीक मिनिमम स्ट्रॉन्ग मिनिमम को बता सकते हैं। यदि हम अल्फा पाई से ग्रेटर देन लेते हैं तो ये आगे जाके 2 पाई के ऊपर फिर से ऐसे ही कर्व्स मिलेंगे हमारे, तो यदि इससे बड़ा है पाई से ज्यादा तो हमारे पास एक पेंसिल ये आ गया, और यदि ये यहां पर भी है अल्फा पाई से थोड़ा सा भी बड़ा तो एक पॉइंट पेंसिल पॉइंट हमारा ये आ गया। अब इसके डोमेन में 2 पेंसिल पॉइंट आ गए, दैट मींस ये जेकोबियन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट होना चाहिए वो भी ओरिजिन वाला। तो यहां पे इसके 2 पॉइंट्स आ गए, आगे जाएंगे तो 3, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे हमारे पास में। तो ये अल्फा इज ग्रेटर देन पाई के लिए जैकोबियन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा, जबकि अल्फा लेस देन पाई के लिए ये जैकोबियन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। अब यहां ये मिनिमम कैसा है, स्ट्रांग है, वीक है, इसके लिए हम जो फंक्शन आया है इस फंक्शन का हम 2 टाइम्स तक y डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फंक्शन हमारा ये रहा, इसका हम 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 टाइम्स तक करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 2y डैश, एक बार और इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन y डैश के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास 2 वैल्यू आएगी, जो कि 0 से बड़ा है, जो कि 0 से बड़ा है। तो यहां ये जो फंक्शन है हमारा ये 0 से ग्रेटर देन है, और 0 से ग्रेटर देन के लिए हमारे पास में कैसा आता है, स्ट्रांग मिनिमम आता है, और जो स्ट्रांग मिनिमम होता है वो वीक मिनिमम भी होता है। तो यहां हमारे पास में कंडीशन आई अल्फा लेस देन पाई के लिए, तो हमारे पास ऑप्शंस फर्स्ट राइट होगा,
ऑप्शन सेकंड हमारा राइट होगा, जबकि ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ के लिए जेको भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो ये हमारे आंसर डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड होंगे। नेक्स्ट दिसंबर 2015 पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 45 है, द फंक्शनल आई वाई ऑफ एक्स इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस टू वाई साइन एक्स डी एक्स हैज द फॉलोइंग एक्सटर्मल विथ सी वन एंड सी टू आर एज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। इसके हमें एक्सटर्मल्स ऑप्शंस दिए हुए हैं, सी वन सी टू कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं, तो ये फंक्शंस हमें दिया हुआ है, यहाँ हम यूलर लांगराज इक्वेशंस अप्लाई करें तो यूलर लांगराज इक्वेशंस से हमारे पास में वैल्यू बनेगी डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स डेल एफ डेल वाई डैश इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज करके एफ का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से बनेगा 2y, यहाँ से आएगा माइनस का 2 साइन x माइनस डी बाई वाई डी एक्स, एफ का y डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बनेगा 2y डैश इक्वल्स टू जीरो, तो पूरे में कॉमन है जीरो की तरफ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशंस बनी यहाँ से y डबल डैश, ये दोनों माइनस भी कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस का ये प्लस का ये माइनस का बन जाएगा इक्वल में, इसको हम उधर भेज देंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी ये प्लस का उधर जाके माइनस का बन जाएगा साइन एक्स। अब ये हमारे पास में इक्वेशंस बन गई, इसका हम सी एफ और इसका हम पी आई निकाल लेंगे तो ये जो वैल्यू है हमारे पास में इसे हम सॉल्व करेंगे, तो पहले सी एफ के लिए इसको सॉल्व करेंगे, सी एफ के लिए इसे हम लिखेंगे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनेगी, वाई डैश की वैल्यू हम एम रिप्लेस कर देते हैं तो यहां से एम की वैल्यू आएगी हमारे पास में प्लस माइनस वन, इम्प्लाइज करके इसका जो सी एफ बनेगा वो बन जाएगा, दो कॉन्स्टेंट लेंगे हम सी वन e की पावर एक्स प्लस सी टू e की पावर माइनस एक्स, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। अब हमारे पास में ये दो ऑप्शंस तो डिस्कार्ड हो गए, ये दो ऑप्शंस अभी भी बचे हैं तो हमें pi भी निकालना होगा, तो pi के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन में d स्क्वायर माइनस 1 माइनस sin x इक्वल्स टू, यहाँ हम वैल्यू रखें तो डी स्क्वायर की जगह एक्स का जो कोफिशियंट होता है उसका स्क्वायर का नेगेटिव लिखते हैं, एक्स का कोफिशियंट 1 है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा उसका नेगेटिव माइनस 1, तो ये माइनस पहले से ये साइन एक्स यहाँ माइनस 1 ये माइनस 1 पहले से है माइनस माइनस इसको कैंसिल करेगा साइन एक्स बाई 2, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वाई वो होगा हमारा सी एफ प्लस पी आई, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स बाई टू, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा और इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। यदि सी एफ और पी आई में कोई प्रॉब्लम्स है तो बीएससी सेकंड ईयर नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ यूनिट सेकंड के अंदर सीएफ और पीआई की पूरी यूनिट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा या आप चैनल पे विजिट करके वहाँ प्लेलिस्ट में यूनिट सेकंड के जैसे लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से आप देखेंगे तो वहाँ से आपके सीएफ और पीआई के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट दिसंबर 2015 पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 97 है, टू शो द एक्सिस्टेंस ऑफ ए मिनिमाइजर फॉर द फंक्शनल जे ऑफ वाई ए टू बी एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स फॉर विच देयर इज ए मिनिमाइजिंग सीक्वेंस फाई एन मिनिमाइजिंग सीक्वेंस है, दैट मीन्स इसका जो
मिनिमाइज जो सॉल्यूशन है हमारे पास में वो फाइ एन दिया हुआ है, इट इज इनेक्टो है। ये एक बेसिक नॉलेज के ऊपर क्वेश्चंस था। जी और वाई हमें फंक्शंस दिया हुआ है, इसका मिनिमाइजिंग सीक्वेंस हमें फाइ एन दी हुई है। ये हम जानते हैं कि यहाँ ये जो जे है ये कंटिन्यूस भी होता है, डिफ्रेंशिएबल भी होता है, तो ये जे के लिए तो सभी कंडीशंस फॉलो कर रहा है। और इसका जो मिनिमाइज है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। यदि वो डाइवर्जेंट हुआ तो वहां हमारे पास में उसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट तक जाएगी, जो कि एक मिनिमाइज वैल्यू नहीं होगी। यदि वो ऑस्किलेट करेगा तो एक मिनिमाइज वैल्यू नहीं होगी, मिनिमाइज मतलब एक फिक्स वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू। तो इसकी जो फाई एन जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, तो ये भी हमारा राइट आंसर है। फाई एन कन्वर्जेंट ये भी राइट है, फाई एन हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस तो सब सीक्वेंस भी हो सकती है, ये भी राइट है। फाई एन हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस तो ये भी हमारा राइट आंसर है। तो इसके सभी ऑप्शंस राइट आंसर है। ओके, यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच सके। ओके, थैंक यू।